गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी आर रीडिंग द चैप्टर 100 ड्रेसेस फर्स्ट एंड 100 ड्रेसेस सेकेंड टुगेदर। वी वर हेयर वांदा पैगी वुड से इन ए मोस्ट कर्टियस मैनर एज दो शी वर टॉकिंग टू मिस मैसन। पैडी है वो वांदा को जैसे कि वो मिस मैसन से बात कर रही हो उस प्रकार से बड़े ही विनम्रतापूर्वक अंदाज के अंदर बोलती वांदा को। क्या बोलती वो? शी वुड से गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड ए नज, टेल अस हाउ मेनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोसेट, कि आपके रूम के अंदर कितने ड्रेसेस हैं वो पड़ी हुई हैं। वो अपने फ्रेंड को थोड़ा एक प्रकार से इशारा करते हुए ये बात वांदा की तरफ कहती हुई बोलती। ये 100 वांदा वुड से, और वांदा कहा करती कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं। तो ये यहाँ पर आपने देखा होगा हमने मॉडल्स कर लिए हैं, और मॉडल्स यहाँ पर मॉडल के बाद में मॉडल वर्ब के बाद में फर्स्ट फॉर्म लगाई हुई है, और यहाँ पर वुड है वो पास्ट हैबिट को शो कर रहा है, और से फर्स्ट फॉर्म लगाई हुई है, से सेड सेड होता है। ये 100 ड्रेसेस वांदा वुड से, और वांदा कहा करती थी कि उसके पास 100 ड्रेसेस है। 100 ड्रेसेस, एक्सक्लेम ऑल द लिटिल गर्ल्स इनक्रेडुलसली, और सारी लड़कियां हैं वो एक प्रकार से शोर में बोल पड़ती कि जैसे उनको विश्वास ही ना हो कि उसके पास 100 ड्रेसेस तो हो ही नहीं सकती। एंड द लिटिल वंस वुड स्टॉप प्लेइंग हॉप स्टॉप एंड लिसन, और सारी लड़कियां हैं वो हॉप स्टॉप खेलना बंद कर देती और उसकी बात को सुनने के लिए आ जाती। या 100 ऑल लाइंड अप, और वांदा आगे से कहा करती कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं, वो उसके पास हैं, सभी लाइन अप हैं, सजी हुई पड़ी हैं। देन हर थिन लिप्स ग्रू टुगेदर इन साइलेंस, और उसके बाद वांदा आगे से कुछ नहीं बोलती, और उसके पतले पतले से जो होठ हैं वो बंद हो जाते और वो आगे से साइलेंट हो जाती। बट आर दे लाइक ऑल सिल्क काइबेट सैड पैगी, और पैगी आगे से उसको टीज करती हुई बोलती कि वो कैसी दिखती हैं, मैं आपसे शर्त लगाती हूँ, बैठो तो शर्त लगाना कि वो ऑल सिल्क की बनी हुई हैं, ये ऑल सिल्क ऑल कलर्स, और वो वादा है वो ये कहती आगे से कि वो सब कलर्स की हैं, वेलवेट टू, और वो वेलवेट, क्या वो वेलवेट कलर की भी हैं, यच वेलवेट टू 100 ड्रेसेस वादा, और वादा आगे से बोलती कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। वुड रिपीट स्टोडिकली ऑल लाइंड अप इन माई क्लोसेट, और वो सब मेरे रूम के अंदर हैं, स्मॉल रूम के अंदर है वो पड़ी हुई हैं, लगी हुई हैं हैंगर के ऊपर, ठीक है। देन दे वुड लेट हर गो, एंड देन बिफोर शी वुड गोन वेरी फार, और उसके बाद वो उसको जाने देते, ठीक है। दे वुड यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर दे है वो पैगी और उसकी फ्रेंड्स के लिए आ रहा है। Then and then before she would and then before she had gone very far, they could not help bursting into shrieks and peals of laughter. और फिर वो जब वहां से चली जाती तो वो वहां पर जोर से उसके ऊपर है वो हंस देते, shrieks and peals of laughter. 100 dresses, ठीक है, उसके पास 100 dresses हैं। Obviously the only dress Vanda had was the blue one. Vanda के पास है वो एक ही कलर की ड्रेस थी और वो ब्लू कलर की ड्रेस थी। ओके, आपने क्वेश्चन भी लर्न करके याद रखना है इसको कि विच कलर ड्रेस Vanda used to wear. ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम तो आंसर विल बी शी यूज टू वियर ब्लू कलर ड्रेस। हाउ मेनी शूज डिड यू से यू हैड, आगे से उससे पूछा जाता कि उसके पास कितने पेयर हैं ड्रेसेस के, 60 पेयर, और वांदा है वो आगे से जवाब देती कि उसके पास 60 पेयर हैं ऑल लाइंड अप इन माई क्लोसेट, और वो कहती कि उसके पास ये सब उसके रूम के अंदर है वो पड़ा हुआ है। क्राइज ऑफ एग्जेजरेटेड पोलाइटनेस ग्रीटेड दिस ऑल अलाइक, और उसके बाद है सब बच्चे हैं वो पोलाइटनेस के अंदर हैं, वो एक प्रकार से ग्रीट करते हैं। ओ नो, एवरी पेयर इज डिफरेंट, ऑल कलर्स ऑल लाइंड अप, और फिर वो आगे से कहते कि उसके पास तो सारे ड्रेसेस हैं वो अलग अलग कलर्स के हैं, सभी एक दूसरे से अलग हैं और सभी हैं वो लाइंड अप हैं। पैगी हु हैड थॉट ऑफ दिस गेम हैड एंड मैडी हर इनसेपरेबल फ्रेंड वर ऑलवेज द लास्ट टू लीव, पैगी और मैडी ने ये गेम शुरू किया था और वो सबसे आखिर में वहां से जाती। फाइनली वांदा वुड
मूव अप द स्ट्रीट, अंत में वहां वहां से चली जाती है अपनी गली के अंदर. हर आईज डल एंड हर माउथ क्लोज, उसकी आंखें हैं उसके अंदर एक प्रकार से वो डल दिखने लग जाती, कोई चमक नहीं होती, और अपना वो मुंह बंद रखती. हिचिंग हर लेफ्ट शोल्डर एवरी नाउ एंड देन, और वो अपना लेफ्ट शोल्डर हिलाती हुई चलती. एंड देन इन द फनी वे शी हैड फिनिशिंग द वॉक टू स्कूल अलोन, और फिर वो अकेली वहां से चली जाती. पैगी वॉज नॉट रियली क्रूअल, एक्चुअली पैगी है वो कोई क्रूअल लड़की नहीं थी. शी प्रोटेक्टेड ऑल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज, ठीक है, वो सब बच्चों को, ठीक है, जो बुलीज होते हैं, बुलीज का मतलब जो काफी जोर रखने वाले बच्चे होते हैं, उनको वो बचाती थी अपने दोस्तों को. एंड शी क्राइड फॉर आवर्स इफ शी सा एन एनिमल मिसट्रीटेड, और वो बहुत चिल्लाती थी अगर कोई किसी व्यक्ति किसी बच्चे से बुरा व्यवहार करता था. इफ एनीबॉडी हैड सेड टू हर डोंट यू थिंक दैट इज ए क्रूअल वे टू ट्रीट वांदा, और अगर उसको कोई ये आगे से कहता कि ये तो वांदा के साथ है वो एक बड़ा ही क्रूअल व्यवहार किया जा रहा है, शी वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज्ड, और वो आगे से उनको हैरान कर देती. क्रूअल कि ये क्रूअल कैसे है, वाई डिड द गर्ल से शी हैड 100 ड्रेसेस, तो वो आगे से उससे पूछती कि वांदा आगे से ये क्यों कहती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस है. एनीबॉडी कुड टेल दैट दैट वॉज ए लाई, सब लोग ये कह सकते हैं कि ये एक झूठ है. वाई डिड शी वॉन्ट टू लाई, वो झूठ क्यों बोलना चाहती है. एंड शी वॉज नॉट जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन, एल्स वाई डिड शी हैव ए नेम लाइक दैट, और वो एक ऑर्डिनरी आम लड़की भी नहीं थी, ठीक है, और उसका नाम है वो इस प्रकार का नहीं था. एनी वे दे नेवर मेड हर क्राई, फिर भी वो उसको रोने नहीं देते थे. एज फॉर मैडी, दिस बिजनेस ऑफ आस्किंग वादा एवरी डे हाउ मैनी ड्रेसेज एंड हाउ मैनी हैट्स एंड हाउ मैनी दिस एंड दैट, शी हैड वॉज बोदरिंग हर. कहते मैडी को बार बार पैडी के द्वारा ये पूछना कि उसके पास कितनी ड्रेसेज हैं, कितने शूज हैं, और कितना ये है कितना वो है, ये उसके लिए भी एक प्रकार से उसको परेशान कर रहा था. मैडी वॉज पुअर हर सेल्फ, मैडी है वो खुद गरीब थी. शी यूजली वोर समबॉडीज हैंड टू डाउन क्लोथ, और वो मोस्टली ऐसे कपड़े पहनती थी जो दूसरे लोग उसको थोड़ा पहनने के बाद हैं वो दे दिया करते थे. थैंक्स गुडनेस शी डिडंट लिव अप ऑन बॉडगिन्स हाइट और हैव ए फनी नेम, और वो भगवान का बड़ा ही धन्यवाद करती थी कि वो बॉडगिन्स हाइट्स पर नहीं रहती जहां वांदा रहती है, और उसका वांदा की तरह से, वांदा प्रिटनस की तरह से कोई फनी मजाकिया सा नाम नहीं है. समटाइम्स व्हेन पैडी वॉज आस्किंग वांदा दोज क्वेश्चन इन दैट मॉकिंग पोलाइट वॉइस, मैडी फेल्ट एम्ब्रेस्ड एंड स्टडीड द मार्बल्स इन हर पाम ऑफ हर हैंड्स. कई बार जब पैडी है वो वांदा से क्वेश्चन कर रही होती हंसाने वाले अंदाज के अंदर, पोलाइट वॉइस के अंदर, तो मैडी है वो बड़ी ही एक प्रकार से एम्ब्रेस्ड, उसको शर्म महसूस होती थी, और वो अपने हाथों के अंदर मार्बल्स हैं, ठीक है, जो कंचे होते हैं उनको एक प्रकार से उनके साथ खेलती हुई, खेलने में मस्त हो जाती, रोलिंग देम राउंड एंड से नथिंग हर सेल्फ, ठीक है, और लेकिन वो आगे से कुछ नहीं कहती थी. नॉट दैट शी फेल्ट सॉरी फॉर वांदा, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो वांदा के लिए सॉरी महसूस नहीं करती थी. एग्जैक्टली शी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन टू वांदा इफ पैगी हैड नॉट इन्वेंटेड द ड्रेस गेम, और उसने वांदा की तरफ ध्यान भी ना दिया होता अगर पैगी ने ड्रेसिस गेम वाला जो बात है वो शुरू ना किया होता. बट सपोज पैगी एंड ऑल द अदर स्टार्टेड इन ऑन हर नेक्स्ट, और वो ये भी मानती थी कि पैगी और उसके दूसरे फ्रेंड है वो उसको भी एक प्रकार से टीज करने के लिए चुन सकते हैं. शी वॉज नॉट एज पुअर एज वांदा, वो वांदा की तरह से गरीब नहीं थी. परहैप्स बट शी वॉज पुअर, फिर भी वो गरीब थी. ऑफकोर्स शी वुड हैव मोर सेंस देन टू से शी हैड 100 ड्रेसेज, लेकिन उसके अंदर इतनी समझ थी कि वो आगे से उनको ये नहीं कहती थी कि उसके पास 100 ड्रेसेज हैं. स्टिल शी वुड नॉट लाइक फॉर देम टू बिगिन ऑन हर, शी विशेज पैगी वुड स्टॉप टीजिंग वांदा प्रेटनोस्की, और वो ये चाहती थी कि पैगी है वो वांदा प्रेटनोस्की को इस प्रकार से टीज करना बंद कर दे. तो स्टूडेंट दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, द थर्ड पार्ट वी विल टेक इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक्स फॉर लिसनिंग मी एंड हैव अ नाइस डे.